स्टूडेंट, आज हम HTML में जो बॉडी बॉडी टैग का जो डिफरेंट डिफरेंट यूज है, बॉडी टैग का जो एट्रीब्यूट है, उन सब का यूज करके हम बताएंगे कि उसे बॉडी टैग का यूज हम किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हम जब HTML का कोडिंग करते हैं, सबसे पहले हमें HTML लिखना होता है। HTML आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि कैपिटल में ही हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। HTML का जो कोडिंग है वो केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि आप किसी में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो और कैपिटल में भी लिख सकते हो। HTML डाला हमने और फिर उसके बाद हेडर सेक्शन में हेडिंग टैग में आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे, हेडिंग टैग का यूज आप नहीं करना चाहते हो नहीं भी कर सकते हो। हेड में डाला हमने, फिर उसके बाद टाइटल, टाइटल टैग का भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो टाइटल, उसके बाद टाइटल में डाल दो मॉडल नंबर भी यूज करो। अब टाइटल यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, टाइटल को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अब हम क्लोज कर देते हैं। सभी बच्चे एक वीडियो ऑन रखें और हेडिंग टैग भी यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। हेडिंग टैग भी क्लोज हो गया। अब आते हैं बॉडी टैग पे, बॉडी टैग में आते हैं। एट्रीब्यूट आपको डालना है बॉडी पीजी कलर, सबसे पहले हम पीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं, बॉडी पीजी कलर, बॉडी पीजी कलर। बॉडी पीजी कलर इक्वल टू डालो तो येलो डालो, बॉडी पीजी कलर इक्वल टू येलो डाल, इसको जैसे इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देना। आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में ठीक है, बॉडी पीजी कलर इक्वल टू येलो, अब यहाँ पे जैसे क्लोज कर देना है इस टैग को। अब यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे छोटा सा पैराग्राफ लिख देते हैं, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू
एट्रीब्यूट यूज टू चेंज छोटा सा हमने लिखा और फिर आप बॉडी पैक को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे बॉडी पैक को क्लोज कर देते हैं। अब HTML टैग भी क्लोज करना पड़ेगा। HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। HTML टैग भी क्लोज कर दिया। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करेंगे। हमने यहाँ पे बॉडी PG कलर एट्रीब्यूट का यूज किया है। यहाँ पे हमने सेव कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज, सेव एज में डेस्कटॉप पर ही सेव करते हैं और नाम दे देते हैं इसका क्लास एड। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है उसमें HTML जरूर लिखा जाता है। क्लास एड्स डॉट कॉमा डॉट एस टी एम एल सेव कर देते हैं। अब इसको सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस नाम से आपने सेव किया यहाँ पे वो नाम आ जाता है, क्लास एड कॉमा यूएनपी डॉट सेव किया। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। यानी कि जहाँ पे आपने सेव किया है ये रहा, तो इसको जो है इस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पे ये हमने सेव किया, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन विद, ओपन विद पे जाएंगे और यहाँ पे आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करो। देखो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो हमने जो है वहां पे बॉडी पीजी कलर में हमने ये टैग किया था, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज, और हमने पीजी कलर में येलो डाला था, इसीलिए इसका जो बैकग्राउंड आ रहा है, पेज का जो बैकग्राउंड है वो आ रहा है आपको येलो, ठीक है ना। ये पेज का बैकग्राउंड है ये येलो आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे बीजी कलर में येलो डाला था। और दूसरा कलर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो इसको जैसे आप क्लोज कर दो, या डबल क्लिक करने पे भी जैसे ये
बैंडविड्थ में जा करके हम उसको के लिए नोटपैड में ही ओपन करते हैं। नोटपैड में जाएंगे, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब आप जैसे बॉडी पीजी कलर में ग्रीन डाल दो, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे हम डाल देते हैं ग्रीन। बॉडी पीजी कलर इक्वल टू ग्रीन डाल दो, ठीक है। फिर से अब इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस, सेव हो गया। अब फिर से जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब बॉडी पीजी कलर ग्रीन हो गया। तो ये बॉडी पीजी कलर का जो है एट्रीब्यूट है, यानी जो भी कलर आप पीजी कलर में डालोगे वो यहाँ पे बैकग्राउंड में वो कलर आ जाता है, ठीक है। अब इसमें दूसरा एट्रीब्यूट है, बॉडी चैट का दूसरा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में तो यदि हमें इमेज कोई डालना होता है तो करते हैं, ठीक है। तो इमेज अभी हम मैंने कर रहा हूँ, टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं। बॉडी टेक्स्ट इक्वल टू, जैसे अभी यहाँ पे है बॉडी बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन, ठीक है। और यही पे हम डाल देते हैं टेक्स्ट इक्वल टू, पिंक डाल देते हैं। टेक्स्ट का कलर जो भी आपको यूज करना है वो कर सकते हैं, यहाँ पे पिंक इनवर्टेड कोमा में, ये हो गया आपको पिंक, ठीक है। फिर से हम सेव कर देते हैं, सेव कर दिया इसको। अब फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो यहाँ पे आप जो है ये जो जो लिखा हुआ था पहले ब्लैक कलर में आ रहा था, लेकिन अब ये पिंक कलर में आ रहा है, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ था पहले आपको ब्लैक कलर में था और अब पिंक कलर में, ये उतना नहीं पता चल रहा क्योंकि ये ग्रीन पर है। मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, फिर से बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन हटा करके मैं दूसरा देता हूँ, फिर से येलो दे देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, फिर से अब एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो आपने देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ये इस एट्रीब्यूट जो यूज मुझे पिंक में आ रहा है। तो टेक्स्ट का बॉडी में जो है सो टेक्स्ट का ये आपको यूज होता है कि हमें किस कलर से इसमें वेब पेज में लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी का, टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज हम इसीलिए करते हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। लेफ्ट मार्जिन आपको कितना रखना है इसमें, जैसे लेफ्ट मार्जिन का यूज हम करेंगे, बॉडी और यहाँ टेक्स्ट फिर यहाँ पे लिख देते हैं। अब डिजिटल या स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू, अब यहाँ पर रखना है, मान लो हम रखते हैं लेफ्ट मार्जिन में 100 रखते हैं, ठीक है। सेव कर देना है, फिर से कंट्रोल एस, सेव कर दिया। अब फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखते रहे होंगे कि पहले जो था
ये जो लाइन है लिखा हुआ, ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन को उसके कलर में करता हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर में ग्रीन कर दे रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ दिस एट्रीब्यूट, ये जो लाइन लिखा हुआ वो पहले इस साइड बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा था, लेकिन अब हमने मार्जिन 100 कर दिया इसीलिए यहाँ से आ रहा है। पेज में जो ये लिखा हुआ है ये लेफ्ट मार्जिन 100 छोड़ करके आ रहा है, इतना जो है सो छोड़ करके आ रहा है, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट मार्जिन। उसके बाद टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन का भी यूज कर लेते हैं। जैसे टॉप मार्जिन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट मार्जिन इतना, फिर टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन में टॉप मार्जिन हम लिख देते हैं 100 120 को, ठीक है। टॉप मार्जिन हो गया, और फिर से हम सेव कर देते हैं कंट्रोल एस और फिर एग्जीक्यूट करते हैं उसको। पहले ये ऊपर में आ रहा था, ये लाइन यहाँ पे आ रहा था, अब ये टॉप से इतना छोड़ करके आ रहा है, ठीक है। तो ये होता आपको टॉप मार्जिन विद ई कलर, और इसका लेफ्ट मार्जिन क्या था यूज, और इस तरह से हम करते हैं, और इसलिए कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा।